एवरीवन, आज के वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग और डिफरेंट होने जा रहे हैं क्योंकि आज मैं आपके साथ में दो ऐसे डीआईवाई शेयर कर रही हूँ जिसको कि आपको बताना है कि ये डीआईवाई मैंने किस चीज से बनाए हैं, ये चीज मैंने आपके ऊपर छोड़ी और ये दिखने में बहुत ही ज्यादा एक्सपेंसिव लगते हैं क्योंकि ऑनलाइन भी मैंने बहुत सारा सर्च किया था तो उस पर बहुत ज्यादा महंगे मिलते हैं। तो इनकी जो कॉस्ट आई है केवल 100 रुपीज ही आई है, इससे ज्यादा नहीं है। तो चलिए देर नहीं करते हैं, आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक जरूर कीजिएगा और कमेंट में मुझे जरूर बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा और आज का जो डीआईवाई है मैंने किस चीज से बनाया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। जब मैं अपने स्टोर रूम के सामान को डीक्लटर कर रही थी, सामान निकाल रही थी, तो वहाँ पे मुझे ये दो कंटेनर दिखाई दिए जो मुझे बहुत ही ज़्यादा सुंदर लगे। इनकी डिज़ाइन, इनका पैटर्न बहुत ही खूबसूरत है और तभी मेरे दिमाग में बस चढ़ गया था कि मुझे इनसे कुछ डीआईवाई करना है। तो आज का जो डीआईवाई है इन्हीं को लेके हैं और मेरे पास ये कुछ स्टिक पड़ी हुई है जिनसे मैं जिनको मैं आज के डीआईवाई में यूज़ करूँगी और ये 5 रुपये की फेविक्विक जिससे बहुत आसानी से चीज़ें चिपक जाती। आपको एक बात बताऊं, ये जो स्टिक है ये भी मैंने खरीदी नहीं है। मेरी डॉटर जब छोटी सी थी तो उसके पास एक स्लेट हुआ करती थी जिसमें बहुत सारे मोती लगे रहते थे और 1 2 3 4 काउंट करते थे उसमें, तो उसी की स्टिक हैं, बच गई हैं, काफ़ी मजबूत हैं, तो वो आज यहाँ पर काम आ रही हैं। पता नहीं चलता कि कौन सा सामान कब काम आ जाए। और ये देखिए, मैं इसके बना रही हूँ लैग, कुछ इस तरीके से मैंने फेविक्विक की मदद से चिपका दिया है। आपके पास पक्का इस तरह के कंटेनर्स नहीं होंगे तो आप इस तरह का डीआईवाई करने के लिए किसी भी तरह का कार्डबोर्ड कंटेनर या फिर कोई घी का डिब्बा है, तेल का डिब्बा है, कंटेनर्स हैं, उनको यूज़ कर सकते हैं। और दूसरे वाले में मैं ये आइसक्रीम स्टिक्स चिपका रही हूँ। ये जो आइसक्रीम स्टिक्स हैं ये भी काफ़ी ज़्यादा मजबूत हैं और बहुत अच्छी इनकी फिनिशिंग है, तो मैं जब भी आइसक्रीम खाया करती थी तो इन स्टिक्स को मैं संभाल के रख लिया करती थी। मुझे मालूम था कि ये कहीं ना कहीं मैं डीआईवाई में यूज़ करूँगी, तो इनको क्योंकि ये इसके ऊपर ना जाली बनी हुई है तो इसको चिपकाना बड़ा मुश्किल काम है, तो मैं इसलिए इसमें फेविक्विक का इस्तेमाल कर रही हूँ, यूज़ कर रही हूँ क्योंकि मुझे इसको मजबूती देनी है। वैसे ही जो कंटेनर है लाइट वेट है इनका क्योंकि ये कुछ रबड़ के से बने हुए हैं और बस ऊपर की तरफ जाली दी हुई है, बट मुझे पता नहीं ये क्या है। और देखिए ये लेग्स चिपकने के बाद में ये कितने ज्यादा खूबसूरत लग रहे हैं। तो मैंने यहाँ पे लिया है मास्किंग टेप और ये लिए हैं पतली पतली स्टिक्स। ये आपको आर्ट एंड क्राफ्ट की शॉप पे बहुत आसानी से मिल जाती हैं। इसमें 100 स्टिक्स आती हैं और कम स्टिक्स का भी होता है, छोटी स्टिक्स का भी होता है। तो इसको मैं कुछ ग्रेजुअली लगा रही हूँ, मास्किंग टेप पे इसलिए चिपका रही हूँ क्योंकि जो मुझे डिज़ाइन चाहिए ना वो डिज़ाइन मुझे आसानी से मिल जाएगी क्योंकि इन स्टिक्स को चिपकाना बड़ा मुश्किल काम है। और एक दूसरा रीज़न भी है जिसकी वजह से मैं मास्किंग टेप को यूज़ कर रही हूँ, वो अभी आपको पता चलेगा। तो देखिए मैंने इसको ग्रेजुअली इस तरीके से चिपका लिया है और ये लगने के बाद में बहुत सुंदर लग रही हैं। और एक पैटर्न जो मुझे चाहिए वो पैटर्न मुझे मिल गया और ये देखिए बनने के बाद में कुछ इस तरीके की हो गई, बहुत ही ज़्यादा सुंदर लग रही हैं। और मैं चिपकाने वाली हूँ अब इनको इस पे कुछ इस तरीके से। मेरे दिमाग में ये आइडिया था कि मैं कुछ इस तरीके से लगाऊंगी, सोचा तो मैंने ये था कि मैं चारों तरफ लगाऊंगी, बट मेरे पास इतनी सारी स्टिक्स नहीं है कि मैं चारों तरफ लगा पाऊँ। बस इसको काटने में थोड़ा सा मुझे दिक्कत हुई क्योंकि कभी कैंची से काट रही थी, कभी नाइफ से काट रही थी, तो ये कट के तैयार होगी। ये मैंने 3 बनाई है, जो 3 साइड में जो लेग्स लगाए हैं मैंने स्टिक के उन्हीं के बीच में मैं इनको स्टिक करने वाली हूँ। और देखिए डिज़ाइन किस तरह का बन के आता है, धीरे धीरे करके पता चलेगा। तो जब मैं बनाना शुरू करती हूँ तो बहुत सारे डिज़ाइंस, बहुत सारे आइडियाज़ आने लगते हैं और ये ऐसे भी रफ फिनिशिंग में भी ना मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा है। और मेरे हाथ से कुछ गिरे ना ऐसा तो इम्पॉसिबल है, तो ये भी गिर गया। और ये देखिए कुछ इस तरीके से मैं इसको लगा रही हूँ। दूसरा रीज़न ये था मास्किंग टेप को यूज़ करने का क्योंकि ये जाली है ना, तो इसलिए इस पर चिपकाना बड़ा मुश्किल काम हो रहा है। और यहाँ पे मैं ले रही हूँ ये फेविबॉन्ड से चिपकाऊंगी क्योंकि मेरे पास अभी यही चीज़ अवेलेबल है। एक तो फेविकॉल रखा था, एक ये है फेविक्विक भी, एक ही वो बची थी ट्यूब, तो वो भी ख़त्म हो गई।
तो मेरे पास ना मैक्रेम कॉर्ड रखी हुई थी, ये डोरी रखी हुई थी ब्राउन कलर की, तो मैं इसको यहाँ पे यूज़ करी। मुझे लगा मुझे थोड़ी सी और मजबूती देनी चाहिए इसके लेग्स को, तो मैंने इसके चारों तरफ कुछ इस तरीके से इसको लगा दिया, तो इससे और भी ज़्यादा सुंदर लगने लगा, और भी ज़्यादा प्यारा लगने लगा ये। तो कुछ इस तरीके से मैंने डिज़ाइन क्रिएट करी। अभी हम इसमें और भी बहुत कुछ करने वाले हैं, और जो उसको सूखने के लिए रख दिया, तब तक इसको बना लेते हैं। इसके लिए मैंने एक लेस यूज़ की कर रही हूँ, जो कि मेरे पास पहले पड़ी हुई थी। ये लेस भी ना बहुत ज़्यादा सस्ती आती है, ये कुछ मोती टाइप की सी लेस है, मोती जैसे लगते हैं, छोटे छोटे बीड्स जैसे। तो इसको मैं फैबी बॉन्ड की मदद से इस तरह से लगा दूंगी, और चारों तरफ इसके फैबी बॉन्ड लगा देती हूँ, ताकि इसके अंदर एक मजबूती रहे। और मेरे पास एक ये जूट रोप भी रखी हुई थी, तो इसको मैं यूज़ करने वाली हूँ इसके बॉटम की तरफ, तो इसमें भी फैबी बॉन्ड का यूज़ कर रही हूँ। मैं शोपीस बना रही हूँ। ये अगर मार्केट से आप लेते हैं तो बहुत ही ज़्यादा महंगे आते हैं, कभी आप सर्च करना। मैं बहुत टाइम से सर्च कर रही थी कि मुझे इस तरह का चाहिए, लेकिन बस इतने ज़्यादा महंगे थे, इस वजह से मैं ले नहीं पा रही थी उनको। के जो लेग्स बनाए हैं उस पे मैं कर रही हूँ चॉक पेंट ब्लैक कलर का, जिससे और भी ज़्यादा खूबसूरती आ जाए। और ये जो मैंने पैटर्न तैयार करा था, इसके ऊपर भी मैं चॉक पेंट ही यूज़ कर रही हूँ ब्लैक कलर का, ताकि वो उभर के डिज़ाइन आए। और इसके लेग्स पर भी मैंने वही ब्लैक कलर करा है, और ये मोतियों वाला जो कंटेनर है, इसके ऊपर भी मैंने ये ब्लैक कलर कर दिया। और कलर सूख जाने के बाद में मैंने वार्निश ज़रूर से की है, क्योंकि वार्निश करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। और मेरे पास एक ये गोल्डन कलर रखा हुआ था, तो मैं इसको यूज़ कर रही हूँ इसके टॉप में। और ये जो जालियाँ हैं, जाली थोड़ी सी रफ़ रफ़ लग रही थी, तो मैंने सोचा इसके अंदर भी मैं गोल्डन कलर कर देती हूँ। तो ब्रश की हेल्प से मैंने इस पर भी गोल्डन कलर कर दिया। कलर होने के बाद में ये वाकई में बहुत ज़्यादा सुंदर लग रहा है, बहुत ही ज़्यादा प्यारा लग रहा है। आपको कैसा लग रहा है आप मुझे ज़रूर बताइएगा। और ये देखिए इसका फाइनल लुक। तो मैंने अभी अपने लिविंग रूम में कुछ इस तरीके से डेकोरेट किया है, प्लांट रख के। ये एक बहुत ही खूबसूरत स्टैंड वाला प्लांटर बनाया है मैंने। शायद वीडियो में इतना ज़्यादा खूबसूरत नहीं लग रहा, लेकिन रियल में वाकई बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लग रहा है, बहुत एक्सपेंसिव लुक दे रहा है मुझे तो। लेकिन आपको कैसा लग रहा है मुझे कमेंट में जरूर से बताइएगा। वहीं पर मैंने अपना दूसरा प्लांटर भी रखा है, इसमें मैंने एलोवेरा लगा दिया, जो बहुत ही ज्यादा खूबसूरत लग रहा है। ये था मेरा आज का वीडियो, आई होप आपको पसंद आया हो। अगर पसंद आया हो तो प्लीज लाइक शेयर और कमेंट करना मत भूलिएगा। और हाँ, बिल्कुल मत भूलिएगा कि ये मैंने बनाया किस चीज से, वो कमेंट में मुझे जरूर बताइएगा, मुझे बहुत मजा आएगा। तो फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय।